रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। आज बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई इस बंधन में बंध कर हर परिस्थिति में बहन की सुरक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्रीराम को राखी किसने बांधी थी? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के 4 पुत्र भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को किसने राखी बांधी थी? आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कौन थी राजा दशरथ की पुत्री जिन्होंने भगवान राम समेत तीनों भाइयों को रक्षाबंधन का बंधन बांधा। रामायण के चरित्रों के बारे में लगभग हर कोई जानता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिन्हें महारानी कौशल्या ने जन्म दिया था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था। यही शांता चारों भाइयों को राखी बांधा करती थी। होता है जो प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसमें कहा जाता है कि भाई और बहन का यह उत्सव है। भाई जो है वह बहन जो है भाई को राखी बांधती है और भाई का प्रतिज्ञा होता है कि राखी बांध करने के बाद में वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा आज से दायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम अपने बहन की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करेंगे, जिससे कि कोई भी समस्या आती है उसका हम समाधान करेंगे। तो उसमें मंत्र भी है कि जैन बद्रो बलि राजा दान मिंद्रो महाबलय तेन तो हम प्रतिबद्ध बदनामी बंधे माचल माचल है। इस तरह से मंत्र पढ़ के भगवान राम के बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता और वो शांता प्रतिवर्ष राम जी को चारों भाइयों को राखी बांधा करती थी। वही परंपरा आज भी है और आज भी राखी उसी परंपरा से एक वो महिला आई हैं जो कि शांता के रूप में हैं और उनके द्वारा ये प्रदान किया गया और बाकी और भी सिंगी ऋषि के लोग आए दिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महारानी कौशल्या की बहन वर्षिणी को संतान नहीं थी, इसीलिए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को वर्षिणी को गोद दे दिया। कहा जाता है कि शांता अपने चारों भाइयों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बड़े स्नेह से राखी बांधा करती थी। यह परंपरा आज भी अयोध्या के राम मंदिर में जीवंत है। देश की अनेक बहनें भगवान राम को अपना भाई मानती हैं और उन्हें राखी भेजती हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पवित्र बंधन न केवल परिवार के सदस्यों को बल्कि भगवान राम और उनके अनुयायियों के बीच के रिश्ते को भी सुदृढ़ करता है। अयोध्या में आज भी इस परंपरा को जीवंत रखा गया है, जहां रामलला को हर साल बहनों द्वारा राखी बांधी जाती है। यह दिखाता है कि रक्षाबंधन का पर्व केवल भाइयों और बहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान और भक्तों के बीच के अनमोल रिश्ते को भी समर्पित है। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह पर्व भगवान राम और उनकी बहन शांता के उस अनमोल रिश्ते की याद दिलाता है जो प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वे श्रीवास्तव की रिपोर्ट।